गए बस स्टैंड पे तो यहाँ पे पता चला कि नीचे का सिस्टम अलग है, ऊपर का सिस्टम अलग है। बस की सफर की यात्रा को पूरा करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा बासुकीनाथ के द्वार पे। लेवर बम ए भाई 50%। लेवर बम जय हो बाबा बासुकीनाथ। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरी इस वीडियो में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग बाबा धाम के मंदिर में देवघर में जल अर्पित किए, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं बस के ऊपर सवार होकर एक नए सफ़र पे बाबा बासुकीनाथ की तरफ, और चलते हैं इस सफ़र का एंजॉय करते हैं और बाबा बासुकीनाथ के मंदिर में आपका दर्शन कराते हैं। पहली बार मैं बस के ऊपर बैठ के सफ़र कर रहा हूँ दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं बासुकीनाथ बाबा बैजनाथ धाम में जल ढारने के बाद। जब हम लोग आए बस स्टैंड पे तो यहाँ पे पता चला कि नीचे का सिस्टम अलग है, ऊपर का सिस्टम अलग है। हम लोग ऊपर वाले सिस्टम में सवार हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, और ये सब लोग एक स्पेशल बम बन चुके हैं। और हम लोग का सिस्टम एकदम बढ़िया है। सीधा बासुकीनाथ जाने के बाद ये सारे बम नीचे जाएंगे। इस पल को एंजॉय करते हुए मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था। मन तो बोल रहा था ना बादशाह बनना है ना मशहूर होना है, मुझे तो बस भोलेनाथ तेरे इश्क में चूर चूर होना है। जय बाबा बासुकीनाथ की। सदियों से हम लोगों ने सुनते आया है कि महादेव के एक से एक भक्त हुए हैं। उसी में के एक तरह के भक्त हमारे बगल में भी बैठे थे जो एकदम अतरंगे थे, रंग बिरंगे थे, और वो चल के आए थे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, और वो हमारे साथ बस पे सवार हो गए थे और हमें खूब हंसा रहे थे। मतलब यहाँ पे लोकल सवारी गाड़ी में भी ऊपर बैठने का सिस्टम है झारखंड में। दोस्तों बासुकीनाथ का यह सफ़र एक अद्भुत सफ़र था। बस के ऊपर हम लोग इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और हमारे पास समय बहुत था। दूर से ही हमें त्रिकूट पहाड़ के कुछ कुछ दृश्य दिखाई देने लगे थे, जिसकी वजह से हमारे अंदर और लालसा बढ़ती जा रही थी त्रिकूट पहाड़ को देखने की। हम आपको बताते चले कि बासुकीनाथ तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे भक्तगण जो देवघर आते हैं वो बासुकीनाथ क्यों जाते हैं, आप लोगों में से कोई जानता है? और ये देखिए गोवा की तरह एकदम अच्छा खासा सीन लग रहा था और सामने ही था त्रिकूट पहाड़, हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये त्रिकूट पहाड़ का भी एक अलग इतिहास है, आपको किसी वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा त्रिकूट पहाड़ के बारे में, और हो सके तो कभी त्रिकूट पहाड़ घुमाऊँगा भी। दोस्तों पुराणों के अनुसार एक ऐसी मान्यता है कि जितने लोग देवघर आते हैं जल चढ़ाने के लिए, अगर वो लोग बाबा बासुकीनाथ के ऊपर जाके जल नहीं चढ़ाते हैं तब तक उनकी पूजा असफल मानी जाती है। इसी बीच में बस के कंडक्टर भैया बस रुकवा के ऊपर आ गए थे सबसे पैसा लेने के लिए, क्योंकि ऐसा उनके मन में डर था कि बासुकीनाथ पहुंचने के बाद लोग उतर के भाग जाएंगे, उनको पैसा नहीं देंगे, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डाल के देख सकते हैं किस तरीके से किनारे पे बैठे थे और सबसे पैसा वसूल रहे थे। दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि बासुकीनाथ कौन थे। महादेव के गले में आप लोग जिस नाग को देखते हैं उसी नाग का नाम था बासुकीनाथ नाग। जब समुद्र का मंथन हो रहा था अमृत निकालने के लिए, उस समय बिहार के ही एक पर्वत मंदार पर्वत से ही मंथन किया गया, और जब रस्सी का उपयोग किया गया उस रस्सी की जगह पे यही बासुकीनाथ का यूज किया गया था। हमारे मिर्जापुर वाले भाई साहब बगल में ही सो चुके थे और हम लोग पहुँच चुके थे बाबा बासुकीनाथ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये बस का सफ़र आपको कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ अगले वीडियो में पूरी कहानी आपको ज़रूर सुनाऊँगा। इस बस की सफ़र की यात्रा को पूरा करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा बासुकीनाथ के द्वार पे, जिला दुमका। यहाँ आने के बाद पता चला कि इसका नाम दुमका है जिले का। और देखिए हमारे साथ मिर्जापुर, हमारे एक भाई साहब साथ में थे, बड़ा मजा आया उनके साथ सफर करने में। मिर्जापुर सीजन 4 गाइस, मिर्जापुर यही है।